नमस्कार मित्रों, स्वागत है सिद्धू टोट के चैनल पर आप सबका एक बार फिर से। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नमक के टोटकों के बारे में। और नमक आप सिर्फ खाते ही नहीं हैं बल्कि इसका बहुत सारा प्रयोग किया जाता है। कई प्रकार के प्रयोग हैं इसके जो आपकी किस्मत को बदल सकते हैं, आपके घर की निगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। पति पत्नी में ये संबंध अच्छे नहीं है तो उस संबंध को ठीक कर सकते हैं। सास बहू के संबंध अच्छे नहीं है तो उसको ठीक कर सकते हैं। नौकरी पैसे में दिक्कत आ रही है, बिजनेस में दिक्कत आ रही है, वहाँ पे भी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो नमक जो है वो पूरी तरह से इसको माना गया है कि निगेटिविटी को सोख लेता है और ये आपको हर तरीके से पॉजिटिव बनाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें नमक किस तरह से फ़ायदा करेगा और इसका प्रयोग हमें कब कैसे कर लेना चाहिए। तो नमक का इस्तेमाल आज से आप वो भी सीखें जो आप नहीं जानते थे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले कृपया सिद्धू टोट के चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें तो आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसके साथ ही वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आप शेयर करते हो तो किसी और की ज़िंदगी भी बन जाती है। अब आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि वीडियो में जो बातें आपको बताई जाने वाली हैं इनको ध्यान से सुनना ज़रूरी है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे नहीं और वीडियो को पूरी नहीं देखेंगे तो बहुत सारी बातें आपसे छूट जाएंगे, जिसको आप बाद में ढूंढेंगे पता नहीं कहाँ कहाँ। नमक जो है वो वास्तु से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करता है। तो पहला जो हम बताने वाले हैं वो वास्तु से जुड़ी हुई और नकारात्मक शक्तियों को दूर करने का उपाय है। घर में अगर नकारात्मक शक्ति ज़्यादा महसूस होती हो तो, या फिर किसी को बार बार नज़र लगती हो, निगेटिव सोच रखता हो आदमी, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता हो, तो क्या करें, सेंधा नमक के टुकड़े को लेकर के उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार वार लें और 7 बार वार कर उसे पानी में, बहते हुए पानी में बहा दें। इससे उस व्यक्ति की सारी निगेटिविटी ख़त्म होती है, वो व्यक्ति प्रसन्न होने लगता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी बातों पर ध्यान देना शुरू कर देता है और आगे बढ़ने के बारे में विचार करता है। अगर घर में किसी बच्चे को या किसी को भी घर में अगर बहुत ज़्यादा नज़र लगती हो तो उसके लिए आपको ये उपाय करना है कि थोड़ी सी राई ले लीजिए और नमक ले लीजिए, सूखी मिर्च ले लीजिए, उस व्यक्ति के सर से वार लीजिए और फिर इसको जला दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस व्यक्ति के अंदर से सभी प्रकार की निगेटिविटी ख़त्म होती है और वो व्यक्ति प्रसन्न होता है, अपने जीवन में अच्छे काम कर पाता है। जिन कामों पर नज़र लग गई थी जिसकी वजह से उसके वो काम रुक गए थे, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे बिजनेस व्यवसाय हो, चाहे वो तरक्की का रास्ता हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कुछ भी हो, उससे उसको छुटकारा मिलेगा और वो अपने कार्य को अच्छे से कर पाएगा। अगर घर में बहुत ज़्यादा झगड़े लड़ाई होते हों तो आप क्या करोगे, पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता हो, तनाव बना रहता हो, भाई भाई लड़ते हों, सास बहू की लड़ाई होती हो, तो क्या करिए, कांच की कटोरी में या कांच का एक गिलास ले लीजिए, उसमें सेंधा नमक डाल करके रख लीजिए, ठीक है, उस कटोरी को भर के रख दीजिए। कहाँ पे रखेंगे, बेडरूम में रख सकते हैं, ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, उत्तर पूर्व के कोने पर रखते हैं तो ये बेहतर लाभ देता है, घर की सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करेगा और घर में पॉजिटिविटी का संचार होता है। अगर घर में पैसों की कमी बनी रहती है, कितना भी कमाते हैं लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो आपके पास पैसे होते नहीं हैं, पैसे जो है फालतू कामों में खर्च हो जाते हैं, तो क्या कर सकते हैं, कांच के गिलास में सेंधा नमक और कुछ लौंग डाल करके इसे अपनी तिजोरी में रख दें या उस जगह पर रख दें जहां आप धन रखते हैं, तो वहां की जो भी निगेटिविटी है वो ख़त्म होगी और तरक्की आपको देखने को मिल जाएगी। अगर घर में वास्तु दोष है, कोई चीज़ गलत बन गई है, तब आप क्या करोगे कि वास्तु दोष दूर करने के लिए कांच की बोतल में सेंधा नमक भर करके इसे बाथरूम में रख देते हैं। इससे पति पत्नी के बीच का झगड़ा भी ख़त्म हो जाता है, पैसों की किल्लत भी ख़त्म हो जाती है, नौकरी व्यवसाय में जो रुकावटें हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं और घर में घुसने पर ही आपको शांति महसूस होती है, वो झगड़ा वो लड़ाई नहीं होती है जो कि अक्सर आपको देखने को मिला करती थी। कोई व्यक्ति है जो घर में बार बार बीमार रहता है या घर के लोग बीमार रहते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए, अगर ऐसा हो रहा है तो आपको करना है कि काला नमक लेना है और इस काले नमक की एक चुटकी, यानी पिसा हुआ काला नमक लें, इसकी एक चुटकी पानी में मिला करके अपने घर में पोछा लगाइए, एक चुटकी मिला करके पोछा लगाइए और आप पाएंगे कि आपके घर के लोगों में वापस से बेहतर स्वास्थ्य की जो पूर्ति होनी चाहिए वो होने लग जाएगी, लोग आपस में झगड़ेंगे नहीं, प्यार से रहना शुरू कर देंगे और जब
स्वास्थ्य अच्छा होता है तो अपने आप ही बाकी चीज़ें भी अच्छी होने लग जाती हैं। तो जिन लोगों के घर में बुजुर्गों से लेकर के बच्चों के बीच में किसी का भी स्वास्थ्य खराब रह रहा हो या एक के बाद एक स्वास्थ्य खराब होता ही रहता है, तब आपको ये उपाय ज़रूर करना है। जो लोग कोई और उपाय कर रहे हैं वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। किस्मत अगर आपकी ख़राब है, अगर आपको लगता है कि कुछ भी कर लो कुछ बनता नहीं है काम, तो अपने हाथ को थोड़ा सा गीला कर लीजिए और इस पर लगा लीजिए नमक, और इस नमक को यानी अपने हाथ को गाय से चटवाएं। अगर गाय आपका हाथ चाटती है तो आपके जो कहें तो भाग्य में जितनी भी गलत चीज़ें थी जो इस समय आपको मिल रही थी, जो परेशान कर रही थी, वो सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं और आपका जो भाग्य है वापस से चमक उठता है। सामान्य रूप से घर में सुख शांति के लिए अगर आपको उपाय चाहिए तो पोछे का जो पानी रहता है उसमें दो चुटकी सेंधा नमक डाल करके रोज़ाना पोछा लगाने पर घर की सभी प्रकार की नेगेटिविटी खत्म होती है, सकारात्मकता बनी रहती है, पूजा पाठ में मन लगता है, बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है, और जो लोग बिजनेस में उनका बिजनेस में और नौकरी में है तो नौकरी में उनका मन लगता है और इससे वो प्रसन्नतापूर्वक निभाते हैं और अच्छे पैसा भी कमाते हैं। ध्यान रखना है कि वीरवार के दिन इस उपाय को नहीं करना है। वीरवार के दिन आपको सेंधा नमक डाल करके पोछा नहीं लगाना है। बुजुर्गों ने हमेशा ही कहा है कि कभी भी नमक को ज़मीन पर ना गिरने दें। अगर ज़मीन पर नमक गिरता है तो ये दुर्भाग्य को बढ़ावा देता है, दुर्भाग्य इससे बढ़ता है, तो इसलिए ज़मीन पर नमक को ना गिरने दें। नमक से जुड़े हुए अन्य टोटके भी हम आपके लिए ज़रूर लाएंगे। अभी आपको सिर्फ एक और टोटका जो हम बताने जा रहे हैं आपके किचन में आपको क्या ध्यान रखना है नमक से जुड़ा, वो ये है कि नमक की जो भी आप वस्तु रखें जिसमें नमक रखते हैं, वो कोई डिब्बा होगा कोई जार होगी, तो ध्यान रखें कि उसका ढक्कन चमकदार होना चाहिए और वो जो डिब्बा या जार है वो कांच की होनी चाहिए और उसका जो ढक्कन है वो कोई मेटल हो, चमकदार हो तो ज़्यादा अच्छा है। याद रहे लोहे के डिब्बे में या फिर प्लास्टिक में नमक को ना रखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह भी दुर्भाग्य को बढ़ावा देने का काम करता है। नमक को जब भी रखें तो अपनी कमर से ज़्यादा ऊपर रखें, यानी आप खड़े हैं तो नमक तब भी आपसे ऊपर रहे। ऐसी स्थिति में नमक रखना सदैव ही लाभकारी रहता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूँगा आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए।